पोछा लगाओगे? आते लगाना पर ना उसमें ना वो दूध से डालो। दूध नहीं फिनाइल होता है वो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। सो हम लोग सुबह सुबह उठ चुके हैं, पापा जी ने सब कुछ काट वाट के रख दिया, बस अब मैं बनाऊंगी जूस। सबसे फर्स्ट मील होता है हमारा डिटॉक्स जूस, उसके बाद क्या खाएंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। चाय वाले ग्राहक कौन से हैं, जूस वाले ग्राहक कौन से हैं? मैं जूस का ग्राहक हूँ। चाय का ग्राहक आप तो वाटरमेलन जूस पियोगे, आपका बनाती हूँ। फिलहाल हम लोग रेडी हो चुके हैं, निकल रहे हैं मुजफ्फरनगर दी के पास जाएंगे। पहले जाएंगे मामा जी की बेटी के पास, मतलब गुड्डे के पास, आर्य की बहन के पास, उसके बाद जाएंगे निशीति के पास। बहुत सारा काम है आज गाइस, जरूरी काम से घूमना भी है। पिज्जा पिज्जा जो जो खाएगा उसका नाम आया है सबसे ऊपर है राजा चौधरी, कुणाल पांड्या और यू भी। मैं खा लेता हूँ अकेला सारा। मैं चलो भाई, चलो भाई। गाइस बाय, गाइस बाय, गाइस बाय। इनके यहाँ खड़ी करिया भाई। तनिषा बाय, यू भी बाय, कुणाल पांड्या बाय। चाचा जी कब आएंगे? चाचा जी कल आएंगे। कल आएंगे ना, कल ही मिलते हैं चाचा जी को। सर अभी हम लोग निकल रहे हैं फिलहाल और कल इंजॉय करेंगे बहुत सारा हम लोग। कल हम लोगों का मैच है, आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हो हमारे मैच को *123# दबा करके। मजा कर रहा हूँ, कल मैच खेलेंगे हम लोग, मेरा और सिड का टूर्नामेंट है कल। फिलहाल हम लोग हैं मामा जी की तरफ, चले। खुशी ने लेट कर दिया गाइस हम लोग को बहुत सारा आज। मामा जी मैच को एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे गाइस, और हम लोग भी मैच देख रहे थे। अभी मुंबई की हालत थोड़ी सी डगमगा चुकी है, और यहाँ पे है मन्नू। मन्नू मेरी बच्ची, मेरी गाल डाल कच्ची। वन्नू सेम गुड्डे जैसा लगता है गाइस, देखो गुड्डे को, और गुड्डा और वन्नू बिल्कुल सेम लगते हैं। एंड मैन चैन। खुशी गाय का दूध निकाल दो बेटा, जा निकाल के दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने कहा आ रही है, आ रही गाय का दूध निकाल दे। खुशी ने कह रही परस लिया हूं अपना। लात मारे बेटे ये वाली गाय, ये वाली गाय लात मारे बेटा। मुंह पकड़ो ना इसका, मुंह लात का होना पकड़ने को, फिर मुंह से थोड़ी लात मारे। मामा जी मैंने से कहा ये वाली गाय लात मारे, कह रही तो उसका मुंह पकड़ो ना आप। तो मैं मुंह से थोड़ी लात मारे, वो और तेज मारो फिर। फिर से गुस्सा आ जा, फिर तो मारे मारे। चले मैं नहीं जा रही भाई। मैं बताता हूँ गाइस आप, कल का माहौल क्या था। कल इन लोगों ने पार्टी करी है मुजफ्फरनगर जाके, और मुझे उन्होंने तड़पाया पूरा, कहा अरे भैया बहुत तगड़ी पार्टी, आ जाओ। आज मैं आ गया, महाराज है। बाय 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 वन्नू बाय। तो गाइज एक लेटेस्ट अपडेट है कि हमारी गाड़ी की चाबी गलती से गाड़ी के अंदर रह गई, और वहाँ पड़ी हुई है गाइज। आप लोग शायद वीडियो में आप लोगों को दिखेगी। अब रीज़न क्या हुआ, मैंने गाड़ी अनलॉक नहीं करी थी, सीधा टेल गेट खोला, ऑटोमेटिक टेल गेट खुला, चाबी गलती से अंदर रखी थी, सारा सामान रख रहा था मैं, जीजू ने टेल गेट बंद कर दिया। आज गाड़ी बस अनलॉक होनी चाहिए फिलहाल। सो गाइज फिलहाल हमारी गाड़ी की चाबी अंदर रहेगी, और हम लोग वेट कर रहे हैं किस तरह गाड़ी अनलॉक हो जाएगा। दो बटन दिख रहे हैं उसमें, ऊपर वाला अनलॉक, ये जो बटन दिख रहा है ना, ये अनलॉक है भाई। आज तो सुपर पावर लगा दी, बैटरी वाले बुला लिए, चाबी वाले बुला लिए। नहीं नहीं हो गया, बस 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 मुझे वीडियो बना रहे भैया। चलो 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 चलो, प्रेस करो यार, प्रेशर नहीं मिल रहा ना। मामा जी क्या हो रहा है? हो गया अनलॉक, अनलॉक हो गया, अनलॉक हो गया। हल्ले बचा दिए हो बोल शंकर भगवान की जय। गाइस थैंक्स टू गॉड, फाइनली गाड़ी हो चुकी है अनलॉक, और ये सौरभ जोशी की ऑडियंस कैसा आ गया। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। गुड मॉर्निंग माँ जीते ही जाते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। एंड फिलहाल हम लोग हैं रुकी में, और काफी सारे मेडिकल इश्यूज थे छोटे छोटे,
तो जैसे कि सिड को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था बैक में, तो उसको दिखाना था मेरठ। इस चक्कर में एक दो दिन से हम लोग बिजी चल रहे थे बहुत ज़्यादा, इस वजह से लोग नहीं आ पाए। और पीयूष भाई तो टोटल सोने के लिए बने हैं, ये देख लो भाई। अरे भाई कितना सो गया यार एक दिन में यार। अरे वो तो रात की वहीं खड़ी है, कह रहा आप कुछ बाहर खाने जा रहे होंगे। जैसे आप लोगों को पता है विवेक गए हुए हैं, तो मैंने शूट करने के बाद आज जिम्मा उठाया कि ऊपर वाले घर की सफाई करती हूँ। और ये देखो, इसको देखो मेरे पास आके बैठा हुआ। क्या चाहिए आपको? व्हाइट सॉस पास्ता तो चाहिए उसके लिए। मेरे पास आके बैठा, मुझे कह रहा मम्मू मुझे ऊपर बिठा लो अपने पास। मैंने व्हाइट सॉस पास्ता बोल दिया। और यू भी क्या खाएगा? अब मेरे साथ सारी सफाई करवाओगे घर की, पोछा लगाओगे, आते लगाना झूठ। जमीन पे लगा कैसे लगाते हैं पोछा? पर ना उसमें ना वो दूध सा डालो। दूध नहीं, फिनाइल होता है वो। फिनाइल डाल के वो ना बोतल लो, उससे अंदर पानी डालो और फिर ना पोछा लो, उसे अंदर डाल दे वो जो डोल डोल मना हुआ उसमें डालो पानी में फ्राई करके, और फिर ना आशा से जमीन पे लगाओ। लग जाता है? और झाड़ू कैसे लगती है? झाड़ू से बस हाथ में लो और आशा से लगा रहा। आपको तो सब बात है। और कपड़े कैसे धुलते हैं? कपड़े वो पहले तो ना उस मशीन में पानी डालो और वो ना मून सा होता है ना, किसी भी तो डालता उसको उसके अंदर डालो, कपड़े साफ हो जाएंगे बस। वाओ। तो गाइज मेरा सारा काम ऊपर से खत्म हो गया, तो मैंने सोचा चीला खाती हूँ। तो चीला किस चीज़ का खा रहा था मुझे समझ में आया था, घर में जो मिला मुझे मैंने सब इसमें डाल दिया। स्प्राउट्स चीला आज मैंने इसलिए नहीं बनाया कि कल भी वेट आएंगे, साथ में बनाएंगे। तो गाइज यहाँ मेरे चिल्ले बन गए हैं और साथ बनते बनते मैं खा भी रही हूँ, और इनका टेस्ट नहीं ऐसे आ रहा जैसे पकौड़े नहीं होते पकौड़े, शायद इसलिए क्योंकि इसके अंदर बेसन है और इसके अंदर और भी बहुत कुछ है वेजिटेबल्स। राजा आपने ये क्या करा है ये देखो, ये लोअर कैसे फाड़ दिया आपने? ये भाई डैडा की जीन्स जैसा कह रहा, मैं सोच रहा था डैडा की जीन्स जैसा बना लो। देख इसके काम। हाँ। राजा बहुत, ये क्या काम कर रहे हो? माँ क्या क्या सीख रही है? मैंने सोचा डैडा की जीन्स जैसा बना लूं मैं। अभी फड़ा। हाँ। गाइस अभी हम गाड़ी का काम करा के थोड़ा सा घर पे आ चुके हैं, पापा और को टाइम लगेगा तो हम घर आए। घर आते हमें क्या दिखा गैस वोट? मंदिर है, चलो आशीर्वाद लो। कितने प्यारे राम मंदिर है। तो हमारे एक फ्रेंड है वो हमें राम मंदिर देके गए हैं, अभी हमारे मंदिर में रखे जाएंगे अब, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल है यार। गाइस यूवी ने रेडी किया है ग्लूकोज, थैंक यू सो मच। ये भी मेरा है ना, पानी ना पी मैंने जो एंड खुशी बना रही है हम लोगों के लिए। चीले बाबू मेरे चीले कहाँ है? मुझे इतनी भूख नहीं थी, भूख तो मुझे थी नहीं। भूख तो मर गई होगी आपकी अब। तो गाइस चीले बनाया मैंने स्पेशली, सोच के रखना। थैंक यू। देखना। और अभी रात के 1 बज रहे हैं, माँ पापा सो चुके हैं, मैं विवेक की वेट कर रही थी, मुझे लगा हम साथ में खाना खाएंगे बट वो खा के आ रहे हैं हम खाना, सो मैं फटाफट खाना खा लेती हूँ।